हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरजे महक और वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है आरजे महक। मैं एक रेडियो जॉकी हूं, यानी कि रेडियो पे बोलती हूं। सूरत गुजरात से हूं। मेकअप, लाइफस्टाइल, फैशन, शॉपिंग हॉल्स एंड बहुत सारे गर्ली गर्ली वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल बटन है उसे भी दबाएं। टाइटल से आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टे क्वर्की लॉन्ग वेयर लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू एंड डेमो। मेरा शेड है 08 एंड टोटल 8 शेड्स अवेलेबल है। मैं आपको वीडियो में आगे डेमो भी दिखाने वाली हूँ और डिटेल रिव्यू भी साथ साथ में जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तब मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम। ओहो, मैंने ये ऑर्डर किया है फाउंडेशन फ्रॉम purple.com और ये वीडियो स्पॉन्सर तो दूर दूर तक छोड़िए ये purple.com ने भेजा भी नहीं है, मैंने खुद के पैसों से खरीदा है, ट्रस्ट मी। और इसके साथ मैंने ना निविया का एक लिप बाम भी ऑर्डर किया था, तो कुछ टोटल 500 रुपीज़ अराउंड हो गया था, तो मुझे शिपिंग फ्री पड़ी थी। ये है 549 रुपीज़। purple.com पे अगर अभी आप जाओगे तो कहोगे अरे महक डिस्काउंट चल रहा है, तुम तो क्या ये वो, तो इट्स ओके। कभी कभी डिस्काउंट होते हैं, कभी कभी नॉर्मल डील चलती है। नेट वॉल्यूम है 20 ml और मैन्युफैक्चरिंग डेट है March 2019, यानी कि रिसेंटली ही मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम March 2019 टू February 2021। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअल पैकेजिंग। लगेगा आपको कि ग्लास पैकेजिंग है, नहीं, लेकिन ये एक्रेलिक या प्लास्टिक पैकेजिंग आप कह सकते हैं। काफ़ी हद तक क्लासी है पैकेजिंग और पीछे भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो काफ़ी अच्छे से हम पढ़ भी पा सकते हैं। कई बार बहुत छोटे अक्षरों में होता है। बेस्ट बात यह है कि पंप है इसमें। अब 549 रुपीज़ दोगे तो इतना तो बनता है। और मेन बात यह है कि उसकी लाइक 80% बॉडी है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको दिखेगा कि आपका फाउंडेशन शेड कौन सा है। लॉक भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि खुल जाएगा वैनिटी में, आप कहीं पर ट्रैवलिंग में लेके जा रहे हो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए काफ़ी वैक्यूम जैसा है इसका पैकेजिंग और थोड़ी सी मेहनत लगती है। ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। मेरी हथेली में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इसकी साइज है। चलिए पहले हम थोड़ा सा हाथों में ब्लेंड करके देख लेते हैं एंड फिर मैं आपको फेस पर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो चलिए डेमो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये फाउंडेशन है और ये है मेरा फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश, जो कि पूना स्टोर जो 4 ब्रशेस का सेट है उसका मैंने इनफैक्ट रिव्यू एंड डेमो वीडियो भी किया है, तो उसमें से ही ये ब्रश है। ये मेरा इतना फेवरेट बन गया है कि आप पूछो मत। मैं फाउंडेशन पिछले कितने टाइम से यही ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। समर है, थोड़ा सा टैनिंग आपको लगेगा, फिर मैं टैनिंग हटा देती हूँ, तो मेरे फाउंडेशन शेड्स को लेके आप मेजर लोगों के होते हैं कमेंट्स की लाइट है, ये है, वो है, पर मेरा टैनिंग आता जाता रहता है, को मेरा जो फाउंडेशन का शेड है वो लाइट डार्क लगता है। होप कि ये वाला सही हो। एक बार में ना ढेर सारा फाउंडेशन नहीं लीजिए आप। ये फाउंडेशन ना धीरे से सेटल होता है स्किन में, तो अभी आपको लगेगा अरे महक रॉन्ग शेड लाइट शेड, थोड़ा सा रुकिए। देखिए काफी कम मुझे यूज करना पड़ा और वैसे अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। कवरेज मीडियम है, मेरा थोड़ा सा डिसकलरेशन है, डार्कनेस
जनरली होता ही है हमें, या फिर मेरे थोड़े से जो अंडर आई सर्कल्स हैं उसे बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है, लेकिन मुझे ना ये काफ़ी लाइट लग रहा है स्किन पे, जैसे मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है वैसा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा देखेंगे तो शीयर, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा शाइन दे रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कोई ग्लिटर है या वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा केकी नहीं लग रहा है या पाउडरी नहीं लग रहा है, एट द सेम टाइम स्टिकी वाली फील भी नहीं आ रही है। मैंने कोई भी प्राइमर अप्लाई किए बगैर ही, मुझे जैसे ही फाउंडेशन हाथ में आया ना, पार्सल में मिला ना, तो मैंने तुरंत ही अप्लाई करके देखा था सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा था एंड 3 से 4 घंटे आराम से मेरे फेस पे रहा था। थोड़ा सा पसीना हुआ था तो आप कॉम्पैक्ट से थोड़ा सा टचअप कर सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट मुझे सरप्राइजिंगली ये काफ़ी हद तक ठीक लगा। लॉन्ग वेयर लिक्विड फाउंडेशन जो क्लेम यहाँ पे, मतलब नाम यहाँ पे लिखा है, तो है काफ़ी हद तक है। समर में अगर 4-1 घंटे हमारे फेस पे टिकता है तो आप सोच सकते हैं कि विंटर में तो 5-6 घंटे आराम से आपके फेस पे रहेगा। अभी कौन सी स्किन वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं या सूट करेगा, अगर आप ये मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि मीडियम जिनका स्किन टाइप है उनको तो ये, उनके लिए तो ऑब्वियसली बेस्ट है, वो तो ब्लेस्ड है ही, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है ना उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि समर में जो पसीना होता है पर ये कम्प्लीटली वॉश आउट नहीं हो गया था, काफ़ी हद तक फेस पे रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टचअप की ज़रूरत थी। एंड जिनकी भी ड्राई स्किन है वो भी ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, तो डेली यूज़ में आप यूज़ कर सकते हो, या फिर छोटे मोटे इवेंट्स में आप कहीं पर जा रहे हो तो ये फाउंडेशन आपको काफ़ी काम आएगा। और purple.com पे तो कुछ डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो आप जब डील आती है तो खरीद सकते हैं। ये मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया, तो अब मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप इस पर करके आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली प्रॉपर मेकअप के साथ ये फाउंडेशन कैसा लुक देता है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। प्राइस को लेके मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ओवर प्राइस्ड है, 300 के आसपास अगर प्राइस रेंज होती, क्योंकि कवरेज ओके है, 300 या 350 के आसपास अगर ये फाउंडेशन होता तो अच्छी बात रहती। तो ज़रूर से प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब की स्टोरीज में, यूट्यूब की कम्युनिटी में, सभी जगहों पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाइए और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आप नेक्स्ट क्या वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।